नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जनता कर्फ्यू लगने के बाद से ही शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं पुलिस कर्मियों द्वारा जरूरतमंदों को लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। इंदौर रेल पुलिस द्वारा भी आने जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वर्ष 2020 में संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते देश भर की रेल सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन इस वर्ष मार्च में जो जनता कर्फ्यू लगाया गया उसमें रेल आवागमन चालू था। लेकिन संक्रमण महामारी के डर से कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था और लोगों का पलायन शुरू हो गया था। इंदौर में भी कई मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन मजदूरों को भोजन की समस्या सामने आ रही थी, जिसके चलते इंदौर रेलवे पुलिस द्वारा इंदौर से जाने वाले यात्रियों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इंदौर के समीप औद्योगिक नगरी प्रीतमपुर है, जहां से मजदूर इंदौर होते हुए रेल से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन जनता कर्फ्यू के चलते स्टेशन के बाहर मौजूद भोजनालय बंद है। इंदौर रेलवे पुलिस इन आने जाने वाले यात्रियों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रही है। देखिए, जीआरपी रेलवे स्टेशन के एरिया में थोड़ा सा माइनस था कि फूड फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर ज्यादा अच्छे से, क्योंकि बाहर की सारी होटलें रेस्टोरेंट वगैरह बंद होने से यात्री तो बराबर आ रहे जा रहे हैं। लगभग एक ट्रेन में 2000 लगभग यात्री ट्रेवल करते हैं, तो जब अभी तो काफ़ी माहौल शांत था और ट्रेन भी हमारी कम हो गई है, लेकिन जब पलायन की स्थिति थी, काफ़ी सारे यात्री गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली से अपने क्षेत्र में बिलासपुर और ग्वालियर, रीवा, सतना तरफ जाया करते थे, तो उन यात्रियों के लिए खाने की सुविधाओं का काफ़ी सामना करना पड़ रहा था। तो उनके लिए हम लोगों ने एक फूड पैकेट की व्यवस्था की। शुरुआत में तो हम लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किया, फिर उसके बाद कुछ समाजसेवी संस्थाओं से हमने चर्चा की, जो लगभग हमको प्रतिदिन 300 पैकेट खाना प्रोवाइड करते हैं, और वो खाना हम लोग स्टेशन में जो पलायन करने वाले यात्री हैं जो उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल सही। जो खासतौर पर जैसे एग्जांपल के लिए किसी की ट्रेन 4 बजे है, बंदा सुबह आ गया, या फिर किसी की ट्रेन कल के दिन है लेकिन आज वो स्टेशन आ गया है, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने बहुत मतलब कह सकते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म वाला स्टाफ है वो उन पर नज़र रखता है, उनसे बातचीत करता है और उनकी जो भी नीड्स होती हैं हम लोगों के द्वारा उनको मास्क, सैनिटाइज़र, साथ में कुछ लोगों को तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अच्छा स्वच्छ पानी, क्योंकि बच्चों की स्थिति ये हो रही है कि वाटर इंटैक्ट जो है स्टेशन, उससे बीमार भी पड़ रहे हैं, तो वो एक चीज़ें भी हमने उनको प्रोवाइड करने शुरू करी है। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कुछ हद तक देने का प्रयास किया है, क्योंकि जो लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे हैं वो बीमार, तो रेलवे स्टेशन पर भी हॉस्पिटल स्टेशन पर नहीं, रेलवे के द्वारा जो हॉस्पिटल की सुविधा है तो उनके कंपाउंडर या उनके डॉक्टर से बात करके जो जैसे कि जो चीज़ें दे सकते हैं, नींबू पानी जैसा कुछ, उनके घोल वगैरह सा घोल वगैरह, ताकि डायरिया की प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं साथ। मैडम, आपके प्रयासों से अभी तक कितने यात्रियों को भोजन प्राप्त हो चुका है? मैं गिनती तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन लास्ट 1 मंथ से कंटिन्यू हम लोग 300 पैकेट बांट रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ चिप्स, बिस्किट्स जो लोग साथ में ट्रेवल करके ले जा सकें वो भी दी जा रहे हैं, तो काउंटिंग भी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने मदद की है। देखिए, ये तो अभी हमने नहीं कर पाए हैं कि दूध वगैरह की व्यवस्था, लेकिन हाँ, उनकी माँ को ज़रूर हम ध्यान रखते हैं कि वो अच्छे से खाना खा लें, और कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास चप्पल जूते नहीं मिल पाए वो हमने प्रोवाइड कराया, कुछ कपड़ों की कमी पाई गई तो वो हम लोगों ने अपने स्तर पर देना शुरू किया, जो 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 हम कर सकते थे मतलब वो हमने अपनी ओर से प्रयास किया। इस मामले में मेरे पूरे जीआरपी के स्टाफ धन्यवाद का पात्र है, और मैं हृदय से आभारी हूँ अपने स्टाफ की कि मेरी एक आवाज़ पे वो अपने घर के सारे दरवाजे खोल देते हैं और जो जो उनके पास सुविधाएं मिल पाती हैं वो मुझ तक प्रोवाइड करा देते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।